सो हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वेज टोस्ट की रेसिपी। तो जब कभी आपको हल्के फुल्की भूख हो और बिना किसी मेहनत के आपको फटाफट से कुछ टेस्टी सा बनाना हो, तो आप वेज टोस्ट बनाकर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाना ना बहुत ही आसान है और हम इसे बहुत ही कम टाइम में और कम मेहनत में बना के रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो वेज टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे आधा कप बेसन, और सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स करके इसका बैटर तैयार करेंगे। तो एक बार में हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत और लग रही है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी और डालूँगी और इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसन का घोल बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं डाल दूँगी यहाँ पे हरी मिर्च, साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें दो बारीक कटे हुए प्याज छोटे साइज़ के, एक टमाटर ले लेंगे हम बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहे ना तो इसमें अपने मनपसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे मसाले। तो मैं डाल दूँगी इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, नमक डालेंगे हम यहाँ पे आधा चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हम लेंगे यहाँ पे तवा या पैन, इसे अच्छे से पहले गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसमें ऑयल लगा के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे ब्रेड का एक स्लाइस, और इसे हम बेसन के घोल में अच्छे से डिप कर लेंगे इस तरीके से। और डिप करके ना हमें इसे छोड़ना नहीं है, तुरंत निकाल के हम इसे तवे के ऊपर डाल लेंगे। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि बेसन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे और इसे हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। तो ये देखिए, एक तरफ से बेसन बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, तो हम इसे इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी पका लेंगे अच्छे से। तो अच्छे से हम दोनों साइड से इसे पलट पलट के सेक लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे बेसन का टोस्ट बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से हमने इसे अच्छे से पका लिया है। तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे बेसन के टोस्ट को भी बना लेंगे। और आप इसे सुबह नाश्ते में या फिर शाम को भी बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में ना बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। आप झटपट इसे बना के रेडी करके सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बेसन टोस्ट भी बिल्कुल रेडी है। तो हम इसे फटाफट से एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, सुपर टेस्टी और क्रिस्पी बेसन टोस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। आपने देखा, इसे बनाने में बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत है और हम इसे फटाफट से बना के रेडी कर सकते हैं। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी बना के दे सकते हैं। तो आप एक बार इस तरीके से बना कर ज़रूर ट्राई करें, आपको काफ़ी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ ये रेसिपी आपको कैसी लगी।